प्यारे छात्रों, चलिए हम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के पूरे तरीके से हम लोग कंप्लीट किए थे, आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12th क्लासेस की एक्सरसाइज 5.6 की जो थ्योरी है प्यारे बच्चे, हम लोग उसको पढ़ेंगे। थ्योरी 5.6 यानी कि एक्सरसाइज से पहले जैसे कि हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, आइए थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी में टॉपिक देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पीएफ। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्यारे छात्रों पैरामेट्रिक फॉर्म, ये होता है पीएफ का फुल फॉर्म। अब जरा पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब समझना है प्यारे बच्चे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म किसको कहते हैं। तो उसके नीचे के एरो में लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ टी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी देन डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डीवाई बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी इज कॉल्ड पीएफ पैरामेट्रिक फॉर्म। जरा इस बात को समझिएगा प्यारे बच्चे, एक्सरसाइज 5.6 जो है ना, इस बार कुछ अलग तरीके का सवाल रहेगा और इस एक्सरसाइज में आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा। अब किसका डिफरेंशिएशन भाई, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का, पैरामेट्रिक बोले तो पीएफ। और कैसे पता चलेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म है प्यारे बच्चे, आप इसको ये देखकर समझिए कि एक्स का वैल्यू दिया रहेगा अलग और वाई का वैल्यू जब अलग अलग दिया रहता है, यानी कि हमें प्यारे बच्चे डीवाई बाई डी एक्स निकालना रहता है, डिफरेंशिएशन तो डीवाई बाई डी एक्स होता है। अगर कोई क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू अलग दिया रहे, वाई का वैल्यू अलग दिया रहे, तभी हम उसको बोलते हैं कि ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म का है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्यारे बच्चे कुछ कंडीशन है, आप उस कंडीशन को देखेंगे। यानी कि कोई बोलेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, तो हम बोलेंगे कि जब x का वैल्यू अलग दिया रहे, y का वैल्यू अलग दिया रहे, तो वो कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, अब यहां तो x का वैल्यू अलग दिया है किस फंक्शन में, t के फंक्शन में, और y का वैल्यू भी दिया है अलग t के फंक्शन में, जी टी, टी का मतलब t में फंक्शन, x का मतलब t में फंक्शन। यानी कि हम ऐसा बोलना चाह रहे प्यारे बच्चे कि x का वैल्यू और y का वैल्यू अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन दोनों का वैल्यू जो होगा ना एक ही फंक्शन में रहेगा। ये अगर t में रहेगा तो ये भी t में रहेगा। जस्ट एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, x बराबर रहेगा t स्क्वायर प्लस 4t, तो y बराबर भी t में ही रहेगा लेकिन कुछ और रहेगा, जैसे 3t क्यूब 4t प्लस 5। समझ में आ रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जो रहेगा वो अलग अलग टी के फंक्शन में ही रहेगा। एक्स का वैल्यू टी में भी रहेगा और वाई का वैल्यू टी में ही रहने वाला है। अगर मान लिया यानी कि एक्स और वाई का प्यारे बच्चे अलग अलग मान तो दिया रहेगा, लेकिन दोनों जो फंक्शन है सेम रहेगा, टी में रहेगा तो ये भी टी में रहेगा। अगर मान लिया ऐसे रहता कि साइन थीटा, तो यहां रहता कॉस थीटा, देखिए ये थीटा में फंक्शन हुआ तो ये थीटा में फंक्शन हुआ। अगर मान लिया प्यारे बच्चे यहां पे ऐसे रहता 2y³ + 3y, तो यहां पे भी 4y + 2y रहता। समझ जा रहे, यानी कि x और y का जो मान अलग अलग दिया रहेगा वो दोनों का वैल्यू अलग अलग तो रहेगा, लेकिन ये x का मान भी और y का मान भी दोनों एक ही फंक्शन में रहेगा, जैसा कि ये डिनोट्स कर रहा है। x का मान भी f ऑफ t है, f ऑफ t का मतलब t में फंक्शन है, और y का वैल्यू भी t में फंक्शन है प्यारे बच्चे। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर अलग अलग दे दिया जाए प्यारे छात्रों, तब हम dy / dx कैसे निकालेंगे।
तो जब x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग अगर दिया रहे तो dy by dx निकालने के लिए आपको ऊपर और नीचे dt से डिवाइड करना होता है प्यारे बच्चे। यानी कि हमें तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो dy by dx, डिफरेंशिएशन का मतलब dy by dx। अब अच्छे से दिख रही होगी लाइट अभी आई है, तो dy by dx, अब dy by dx निकालना है प्यारे बच्चे, तो dy by dx इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो जानते हैं ना कि जब भाग रहता है तो ऊपर और नीचे सेम सेम चीज से भाग कर सकते हैं, यानी कि प्यारे बच्चे dy by 2 और dx by 2, हमको इच्छा हुआ कि ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दे और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दे, ऐसा करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। वैसे ही प्यारे बच्चे आप यहां समझिए कि x का वैल्यू जिस फंक्शन में रहेगा, यहाँ पे t फंक्शन में है, y का वैल्यू भी t में फंक्शन है gt, तब हमें dy by dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, dt dt से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। अगर इतना आप काम कर दिया तो 5.6 ऑलरेडी खत्म, यानी कि 5.6 जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चे बहुत इजी है, और यही प्रक्रिया यही प्रोसेस क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है, पीएफ कहलाता है। ठीक है, तो जरा हम लोग पीएफ को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू अलग अलग रहेगा सेम फंक्शन में, टी में तो टी में, पी में तो पी में, तब dy by dx निकालने के लिए जिस भी फंक्शन में रहेगा उसको उतना से ऊपर नीचे डिवाइड करना है प्यारे बच्चे। अगर यहां पे थीटा रहता थीटा में, तो डी थीटा करते, तो यही 5.6 का एक थ्योरी था। अब चलिए जरा इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं, अब एग्जांपल करेंगे तो और हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं, तो ये थ्योरी खत्म हो गया, अब थ्योरी ज्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि थ्योरी देखिए होता कुछ है नहीं, स्टार्टिंग से अगर आपको सभी चीजें याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एग्जांपल बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि dy by dx का मान निकालो, इसका मतलब समझ रहे ना आप कि डिफरेंशिएशन करना है, और x का वैल्यू दे रखा है 4t और y का वैल्यू दिया है 4/t, इफ x बराबर 4t और y बराबर 4/t। पहले बच्चे जरा ध्यान से समझिएगा, x का वैल्यू अलग दे दिया, y का वैल्यू अलग दे दिया, ए भी t में फंक्शन है, ए भी t में फंक्शन है, और हमें क्या बोल रहा है कि dy by dx निकालो, तो यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx इज इक्वल टू, यहां पे आपको अपने तरीके से देखना है कि किस में फंक्शन है, t में फंक्शन है 4t, यहां पे भी t में फंक्शन है, तो t में फंक्शन है इसलिए ऊपर नीचे dy by dt dx by dt, यानी कि ऊपर नीचे है, तो ये तो डिवाइडेड पहले से था, हम dt dt से दोनों तरफ अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड बोथ में डिवाइड कर दिया। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा दो पार्ट्स प्यारे बच्चे, जी हाँ दो पार्ट्स, एक आप जरा ऊपर वाला देखिए तो क्या मिल रहा है dy by dt, और नीचे क्या मिल रहा है dx by dt मिल रहा है। तो आप क्या कीजिए, गोला घेरना नहीं है, हम आपको एक तरीके से समझा रहे हैं, आप चीजों को बेसिकली समझिए, 5.6 में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले प्यारे बच्चे। तो dy by dt और dx by dt हम आपको गोला करके दिखा दिए, तो dy by dt अब यहां लिखेगा नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, dy by dt का मान अलग और dx by dt का मान अलग, तो यहां पे लिखिए dy by dt, dy by dt कितना, तो d का d हो गया, अब y की जगह पे क्या बच्चे, y की जगह पे हम 4/t लिख सकते हैं क्योंकि y के का मान ही खुद दिया हुआ है, तो यहां लिख दीजिए 4/t बटा क्या dt। अब जहां पे कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चे, तो चार जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा d 1/t बटा dt। तो हम तो सीखे हैं ना कि 1/t को अगर t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा t के पावर -1 बटा dt, और ऊपर ऊपर जब सेम रहेगा तो फार्मूला तो पढ़े हैं, 4 का तो 4 ऑलरेडी बाहर है, जो पावर रहता है उसको बाहर करते हैं, तो -1 हो गया बाहर और t है, तो यहां
लिख दिए टी, टी के पावर कितना, तो माइनस ऑलरेडी पहले है और एक घटाया जाता है डिफ्रेंसिएशन में, तो हो गया माइनस टू। उसी तरीके से प्यारे बच्चे अब हम लोग निकालेंगे डीएक्स बाई डी टी, अलग अलग ध्यान रहे, नाउ लिखने के बाद उसका ऊपर वाला का वैल्यू अलग निकाल लीजिए, नीचे वाला का वैल्यू अलग निकाल लीजिए। तो नीचे dx by dt का मतलब क्या प्यारे बच्चे, x की जगह पे कितना मान है 4t, तो यहां रखिए 4t बटा कितना dt। तो अब जब यहां पे देख रहे हैं तो चार क्या है, चार, चार एक तरह का कांस्टेंट है, चार को बाहर निकालिए तो क्या बनेगा, चार को जैसे ही बाहर निकालिएगा dt by dt, तो इसका आंसर हो जाएगा चार गुना एक, क्योंकि dx by dx का वैल्यू 1, तो dt by dt का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चे 1 ही ना होगा, तो 4 इंटू 1 4। फिर से अब आपको क्या करना है, आपने तो अलग अलग मान निकाल लिया, यानी कि dy by dt निकाल लिया, dx by dt निकाल लिया, तो dy by dt और dx by dt अलग अलग जो मान निकाले हैं आप, अब क्या कीजिए अगेन पुनः चल के और उतना लिख लीजिए, यानी कि अब अगेन दोबारा से जब हम इसी से चलेंगे अगेन पुनः dy by dx इज इक्वल टू, देखिए dy by dt का मान कितना है प्यारे बच्चे, इतना है 4 इंटू माइनस 1 इंटू टी के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय dx by dt का मान कितना है ओनली 4, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 1 के पावर टी के पावर माइनस 2। अब जब माइनस 2 है तो उसको नीचे लाएंगे तो प्लस होगा, उल्टा हो जाता है, तो माइनस 1 का तो माइनस 1 और ये जब नीचे आएगा तो टी के पावर 2। इस तरीके से हम लोग का डिफ्रेंसिएशन हो गया, यानी कि प्यारे बच्चे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर x का वैल्यू अलग दिया रहे और y का वैल्यू अलग दिया रहे और दोनों का सेम फंक्शन हो, तो हम लोग जो dy by dx निकालते हैं ना, अपने तरीके से सोच के अपना माइंड लगाकर कि किससे ऊपर नीचे डिवाइड करें, समझ में आ रहा है ना। और 5.6 जो एक्सरसाइज है ना प्यारे बच्चे, वो dy by dx इसी तरीके से निकालना है, सब पैरामेट्रिक फॉर्म पे ही बनेगा, समझ रहे हैं। अगर मान लिया यहां टी में फंक्शन था तो dt dt से डिवाइड किया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस बार भी बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालो। एग्जांपल में हम प्यारे बच्चे चल रहे हैं, अभी एक्सरसाइज को हम लोग नहीं छुए हैं, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इतना से समझ में आ गया प्यारे बच्चे, आप 5.6 को ऑलरेडी बनाइए और वेट नहीं कीजिए कि सर बनाएंगे तब हम बनाएंगे, जो भी करने वाले होते हैं प्यारे बच्चे वो खुद घर आगे के क्वेश्चंस को भी करते हैं अगर समझ में आ रहा है तो, बैठने से कोई फायदा है नहीं। तो चलिए अब हम लोग 5.6 में अभी नहीं जाते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि और हम लोग का माइंड डेवलप हो सके। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ एग्जांपल के तौर पर बढ़ते हैं, इस बार सवाल ये बोल रहा है कि फिर से आपको क्या निकालना है dy by dx। प्यारे बच्चे ये हम अभी लिख पा रहे हैं कि dy by dx बराबर y, हालांकि सवाल में ये लैंग्वेज के तौर पर भी बोल सकता है कि इवेलुएट डिफरेंसिएशन, फाइंड डिफरेंसिएशन लिख सकता है, तब पर भी तो आपको dy by dx ही समझना है ना, क्योंकि डिफरेंसिएशन का मतलब क्या dy by dx। इस बार दिया है a cos theta and b cos theta, कब निकालना है जब x का वैल्यू दे दिया a cos theta और y का वैल्यू दे दिया b sin theta, राइट। अब जरा इन चीजों को देखिए प्यारे बच्चे, आपको a और b क्या है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं बहुत पहले जब डिफरेंसिएशन हम लोग पढ़ रहे थे, कि जब भी अल्फाबेट यानी कि a b c d का जो फर्स्ट वाले लेटर है a b c, ये सबको कांस्टेंट माना जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है, और जो लास्ट वाली होती है x y z, इसको वेरिएबल माना जाता है, चर मान माना जाता है, ठीक है। तो यहां तो आपको समझ में आ गया कि a और b क्या है कांस्टेंट, तो ये किसमें फंक्शन हुआ थीटा में ना, x बराबर भी थीटा दिया है, y बराबर भी थीटा में दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का, तो हमको तो dy by dx निकालना है, ये तो पक्की बात है, लेकिन अब हमको ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहां थीटा है यहां भी थीटा है, थीटा में फंक्शन है, तो हमने निकाल दिया dy by d थीटा और dx by d थीटा।
ऐसा करने से प्यारे बच्चे आपको अलग अलग दो भाग दिख रहे हैं, दो पार्ट दिख रहे हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो अब आपको क्या करना है, नाउ लिखना है और दोनों का अलग अलग मान निकालना है डी वाई बाई डी थीटा। तो डी आप चाहे तो प्यारे बच्चे आप पहले डी एक्स बाई डी थीटा भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वाई का मान कितना है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा बटा कितना डी थीटा, और बी जो है कांस्टेंट है तो बी बाहर निकालेंगे, डी साइन थीटा बाय डी थीटा। और साइन थीटा डी थीटा याद है ना प्यारे बच्चे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो यहां साइन थीटा बाय डी थीटा है तो क्या होगा बी कॉस थीटा। उसी तरीके से जरा हम बात करें तो अब हम निकाल सकते हैं डी एक्स बाय डी थीटा क्या होगा प्यारे बच्चे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का मान कितना है ए कॉस थीटा, तो यहां लिखेंगे ए कॉस थीटा बाय डी थीटा, और ए का तो ए छोड़ देंगे, ए का ए छोड़ दिया, अब कॉस थीटा है तो डी कॉस थीटा बटा डी थीटा। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर आप तो सिखाए हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है तब हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो जी हाँ प्यारे बच्चे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ सीधा सीधा नहीं हो पाएगा इसलिए हम लोग अलग अलग निकाल के, क्यों, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा अलग अलग निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा ए का तो ए बचेगा और कॉस थीटा डी थीटा है तो इसका प्यारे बच्चे कॉस थीटा हम जानते हैं माइनस साइन होता है, तो यहाँ थीटा है तो थीटा लगा दिए। अब जब ऊपर का वैल्यू निकल गया नीचे का वैल्यू निकल गया तो प्यारे बच्चे आप कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो फिर से अगेन लिखेंगे पुनः दोबारा से आप चल रहे हैं ना, तो अगेन डीवाई बाई डी एक्स का अगर बात करें तो देखिए डीवाई बाई डी एक्स बराबर तो इतना लिखे थे और इतना का मतलब ऊपर वाला का मान कितना आया है बी कॉस थीटा बाय नीचे वाला का मान कितना आया है ए इंटू माइनस साइन थीटा, तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या आया ये माइनस है तो बी कॉस थीटा बाय माइनस ए माइनस ए बाहर निकाल दिया तो ए साइन थीटा बच रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस हम लोग ऊपर भी ले जा सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए। अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा को कॉट थीटा भी बुक में आंसर लिख सकता है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से हम लोग 5.6 में जो है क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे। फिलहाल अगर देखते हैं 5.6 का अगर बात करें तो आपको हर तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि सभी क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो 5.6 में, अब जरा एक्सरसाइज में चलते हैं कि उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, उसको क्या करना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 में। प्यारे बच्चे एक्सरसाइज 5.6 हम लोग आज सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको करना क्या प्यारे बच्चे एक होमवर्क्स के तौर पे एक से लेके पांच तक के क्वेश्चन को, एक से लेके पांच तक के क्वेश्चन को आपको बनाना है, आपको बनाना है। और हम अब जो हिंट्स करने वाले हैं वो सिक्स नंबर क्वेश्चन में हिंट्स करने वाले हैं, यानी कि एक से लेके पांच तक के क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज 5.6 में जो है नहीं बताने वाले हैं, वो आपको खुद से कंप्लीट करना है। अब चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। याद रहे सभी क्वेश्चन में, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है एक से लेके दस तक, ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन है कि एक से लेके दस तक के क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करना है। हम पांच तक के आपको दिए हैं बनाने के लिए, छठा नंबर कुछ इस तरह से क्वेश्चन है एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स बराबर दिया है ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई का वैल्यू क्या दिया है प्यारे
तो y का वैल्यू दिया है a 1 प्लस cos थीटा, a 1 प्लस cos थीटा ये वैल्यू दिया है। आप देख पा रहे होंगे हमें डिफरेंशिएशन करना है, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है। आपको पहचानने आना चाहिए कि x का वैल्यू किसमें है, थीटा में है कि साइन में है कि a में है, तो थीटा में है क्योंकि थीटा वेरिएबल है। देख रहे हैं थीटा दोनों तरफ कॉमन भी है, तो आप x का मान और y का मान देखकर भी पता कर सकते हैं कि x का मान थीटा यहां पे भी है यहां पे भी है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि d थीटा से डिवाइड करना है, जो चीजें दोनों तरफ रहेगा उतना ही से डिवाइड करना है। तो अब यहां पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि हमें dy by dx जो निकालना है वो क्या करेंगे, तो थीटा थीटा से डिवाइड करना है, dy by d थीटा बटा dx by d थीटा। अब दोनों का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे प्यारे बच्चे, यानी कि dy by d थीटा, तो अब लिखेंगे नाउ dy by d थीटा इज इक्वल टू y का मान कितना है, a 1 प्लस cos थीटा बाय d थीटा। अब y का मान रख दिया, अब ये सभी के गुना में ना a है कांस्टेंट है, तो a को कहां कर लिया बाहर, तो a को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, d 1 प्लस cos थीटा बटा d थीटा। अब हम लोग इसका वैल्यू तो जानते हैं कि a तो ऑलरेडी बाहर है, अब इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए अलग अलग हम लोग तोड़ सकते हैं, जब प्लस और माइनस रहता है तो अलग अलग तोड़ेंगे, तो d 1 बाई डी थीटा प्लस d cos थीटा बटा d थीटा और पूरा का ब्रैकेट, क्योंकि ये जो है हम लोग को साथ में करना होता है। अब जरा आगे बात करें तो कितना आ जाएगा वैल्यू वो जरा देखते हैं। तो यहां पे जो आएगा a का a छोड़ देंगे, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्यारे छात्रों, 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो यहां a बाहर हो गया इसका वैल्यू 0 प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो यहां हो जाएगा माइनस sin थीटा, तो यहां हो जाएगा a और प्लस माइनस माइनस sin थीटा, तो a इनटू ब्रैकेट का मतलब तो इनटू हुआ और यह हो गया माइनस साइन थीटा। तो कुल मिलाकर हम बोले कि dy बाय जो d थीटा का वैल्यू आया, एक मिनट यहां dx लिखा गया, dy बाय d थीटा का वैल्यू कितना आया है माइनस a साइन थीटा। तो प्यारे बच्चे अभी हम लोग dy बाय d थीटा निकालें, उसके बाद अभी हम लोग फिर से चलेंगे dx बाय d थीटा निकालेंगे। तो dx बाय d थीटा कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या था, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा था x का वैल्यू। तो आप बिल्कुल देखते चलिए कि कहां हम लोग कैसे करेंगे, तो आप x के जगह पर रखिएगा a थीटा माइनस साइन थीटा बाय d थीटा। अब a को क्या करना है, ये बाहर है तो a को हम बाहर कर लिए, तो अंदर में क्या बचेगा थीटा माइनस साइन थीटा बाय d थीटा। फिर जरा आगे बढ़ते हैं तो a तो ऑलरेडी बाहर है, फिर अगर हम लोग चाहें तो अगर प्लस और माइनस में जब रहता है तो उसको कैसे करते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं, तो यहां पे लिख दिया d थीटा बाय d थीटा, माइनस है तो माइनस में टूट गया, साइन थीटा है तो यहां लिखेंगे d साइन थीटा बाय d थीटा। तो इस तरीके से जो आएगा क्या आएगा, तो a ब्रैकेट d थीटा याद रहे प्यारे छात्रों कि dx बाय dx का वैल्यू होता है 1, तो d थीटा का भी वैल्यू 1, और माइनस sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो sin का होता है cos, तो यहां हो गया cos थीटा। देख पा रहे होंगे तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब जरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं a, और प्लस माइनस माइनस a cos थीटा ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें dx by d थीटा का वैल्यू इतना आया और dy by d थीटा का वैल्यू इतना आया। तब हम लोग अब फिर से चल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो जरा देखिए अगेन, अब अगेन करके हम लोग को काम क्या करना है, dy by dx का वैल्यू ऊपर क्या था, dy by d थीटा था, dy by d थीटा का वैल्यू कितना आया है
माइनस ए साइन थीटा, और डीएक्स बाय डी थीटा नीचे था, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो ए से ए क्या हो गया, कट गया, तो आंसर जब हम लोग का आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस साइन थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा। जरा आप इस सिक्स वाले नंबर का आंसर जरा मैच कर लेते हैं कि आंसर तो सही ढंग से दिया है ना, क्योंकि एनसीईआरटी अक्सर ऐसा करता है कि हम लोग का जो आंसर है वो मैच नहीं करता। जी हाँ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है प्यारे छात्रों, माइनस में दिया है कॉट थीटा बाई टू, माइनस में दे दिया है कॉट थीटा बाई टू। देखिए अब जरा बच्चों को ये समस्या हो जाता है कि सर हम लोग का जो इतना किए और फिर आंसर नहीं मैच हुआ, तो थोड़ा सा इम्यूनिटी यानी कि अंदर से जो पावरफुल एनर्जी है ना वो घट जाता है, लेकिन घटाने नहीं है प्यारे बच्चे। आप अगर जरूरत के हिसाब से आप जैसे सिस्टमेटिक तरीके से आप मैथ्स को सॉल्यूशन करेंगे तो सही आंसर माना जाता है, ऐसा नहीं है कि आपकी गलत हो जाएगी, तो हम यहां तक भी आंसर छोड़ेंगे प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही है। अब रहा बात कि सर छठा का जब हम आंसर देख रहे हैं तो आ रहा है माइनस कॉट थीटा बाई टू, ये सर कैसे आ सकता है? देखिए अब ये आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा और इलेवेंथ टेंथ का ट्रिगो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पहले हम लोग एक्सरसाइज में भी ऐसी हम लोगों की मुश्किल आई थी कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आंसर नहीं मैच कर रहा था, भाई टेंशन नहीं लेना है, चलिए हम जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चे बोर्ड पे तो उसको तो हम लोग आंसर मिला ही देते हैं, ठीक है। अगर आपसे नहीं आंसर मैच करता है और किया हुआ सही है तो आप ग्रुप में सेंड कीजिए, अगर हम बोलेंगे कि इट इज अ करेक्ट तो आपको करेक्ट समझना है, ठीक है, और नहीं तो फिर आप उसको फार्मूला से पुट करिए, बहुत सारे ट्रिकों के फार्मूला है। चलिए अब इसको भी हम लोग मैच करने का प्रयास करते हैं और आप देख पाएंगे कि आंसर ये है, अब इसी से हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं जरा समझिएगा प्यारे बच्चे। हम लोग जानते हैं कौन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, ये होता है फार्मूला। फिर होता है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और टेंथ क्लास में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन। देखिए साइन स्क्वायर थीटा पढ़े थे ना, तो यहां थीटा बाय टू रहेगा फिर भी वैल्यू वन ही होगा, तो इतने सारी फार्मूला को यूज करके और तब हम लोग को आंसर बुक के आंसर से मैच करेगा। प्यारे बच्चों यहां देखिएगा माइनस है तो माइनस, अब साइन थीटा के जगह पे आप इतना लिखिए टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू डिवाइडेड, वन के जगह पे कितना रखिएगा, वन के जगह पे आप इतना रखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय टू, फिर माइनस रखना है तो माइनस रखे, फिर कॉस थीटा के जगह पे कितना रख सकते हैं तो इतना रख सकते हैं, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब जरा इसको अच्छा से समझिएगा तो क्या बात बन रहा है वो समझिएगा, ये फार्मूला है हम मिटा रहे हैं फिलहाल क्योंकि मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है, इतना बड़ा बोर्ड है नहीं, तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़े तो ऊपर लिख सकते हैं क्या, माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई, इसको जरा अच्छा से लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस, प्लस क्या होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, और माइनस माइनस क्या होगा प्यारे बच्चे प्लस, कितना तो सॉरी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ऐसा करने से आप देख पा रहे होंगे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है माइनस टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू और डिवाइडेड बाय एक साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और एक साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, दोनों एड में है तो अगर दोनों एड में है तो दोनों को एड करके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो दोनों को ऐड करके टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। इस तरीके से पहले तो टू टू कैंसिल आउट हो रहा है, आप यहां देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा बाय टू एक ठो है
और यहां साइन थीटा बाई टू का स्क्वायर है का मतलब कि दो ठो है इन टू में, साइन थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू दो ठो है, तो यहां एक ठो कटेगा। तो जब एक ठो कटेगा, सिर्फ हम पावर को काटे हैं, एक ठो कटेगा तो एक साइन थीटा बाई टू तो बचेगा, इसका मतलब माइनस का माइनस रहने वाला है, ऊपर बचेगा कॉस थीटा बाई टू और नीचे बचेगा साइन थीटा बाई टू। तो कुल मिलाकर कितना हुआ प्यारे बच्चे, माइनस कॉस बाई साइन कॉट और थीटा बाई टू। तो इस तरीके से हम लोग का जो आंसर आता है बिल्कुल सही आता है, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक की आंसर होती है ना, या फिर आपके अंदर की और बहुत 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 टैलेंटेड है, बहुत टैलेंट है आप में, तो फिर आप आंसर मैच कीजिए और बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर छोड़िए। तो हम 5.6 एक्सरसाइज को करना शुरू कर दिए प्यारे बच्चे, एक से लेके पांच तक के क्वेश्चन जो छोड़े हैं आपको खुद करना है, खुद आंसर मैच करना है। अगर आंसर मैच नहीं भी करता है तो आप अपने अंदर से कन्फर्म होके बनाइए, ग्रुप में सेंड कीजिए जरूर से जरूर, ताकि हम देख पाए कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं। और 5.6 से अगले क्लास में अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। आज के वीडियो को, आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। धन्यवाद।